नेता धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांगने से भी हिचक नहीं रहे। आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के कासगंज के उम्मीदवार का वो बयान जो वायरल हो रहा है। कासगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हसरत उल्लाह शेरवानी ने बेहद ही भड़काऊ भाषण दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए हसरत उल्लाह शेरवानी ने वोट मांगने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। हसरत उल्लाह के भड़काऊ भाषण के बाद कासगंज थाने में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। हसरत उल्लाह ने 6 फरवरी को यह भाषण दिया था। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था, किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की यह हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे या सीज कर दे। क्या नाम है मेरा? उमर नाम है। क्या नाम है मेरा? अब्दुल्ला नाम है। अच्छा जा, निकल जा। उसे पता था कि अभी विधायक का फोन आ जाएगा और मुझ पर डांट पड़ जाएगी। एसपी विधायक का ये बेहद ही भड़काऊ भाषण, धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए कैमरे में कैद हुए हैं नेताजी। कासगंज से एसपी उम्मीदवार हैं हसरतुल्ला शेरवानी, जिनके खिलाफ अब केस भी दर्ज हो चुका है। आपने देखा किस तरह से सभी के सामने धर्म के नाम पर वो वोट मांग रहे थे। हसरतुल्ला शेरवानी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर इस सीट से एक मुसलमान को नहीं जिताओगे तो कोई भी पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी। दोबारा कोई हिम्मत करेगा मुसलमान यहां लड़ने के लिए? मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं जब इलेक्शन हार गया तो मेरे बच्चों ने बोला कि आप दिल्ली वापस आ जाओ, एक बार एमएलए बन लिए बस बहुत है। लेकिन जब मैंने अपनी कौम को देखा कि बेवजह जेलों में जा रहे हैं, बेवजह पुलिस लठ मार रही है, तो फिर दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। आदमी गलती तो एक बार कर जाता है और जब ठोकर लगती है तब उसको अकल आती है कि मैंने नीचे देख करके नहीं चला, इसलिए मुझे ठोकर लगती है। तो वो गलती भाइयों दोबारा नहीं दोहरानी है आपने। अगर दोबारा दोहरा गए तो फिर ये सीट कभी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी, ना कोई पार्टी मुसलमान को टिकट देगी यहां से। समाजवादी पार्टी के ये उम्मीदवार हैं इस तरह का भड़काऊ भाषण देते हुए, और सिर्फ नेताजी यहीं पर नहीं रुके, उनकी ओर से तो यहां तक कह दिया गया है कि मेरे रहते हुए कभी भी मुसलमानों को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या थाने में धर्म के आधार पर काम किया जाता था, और अब विधायक जी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। पंकज, बेहद हैरान करता है समाजवादी पार्टी के इस उम्मीदवार का ये बयान। जी हाँ, रहमतुल्ला शेरवानी इससे पहले भी विधायक रहे हैं और जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं आपने वीडियो में देखा है, वो ये एक खास मुस्लिम वोटरों को लेकर की ये बात कह रहे हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का खुद भी कहना है, आदेश भी है और चुनाव आयोग की ऐसी एक चुनाव आयोग का भी मानना है, इसके बावजूद उन्होंने ये बात कही है। लेकिन एक बात ये भी देखना होगा चित्रा, कि अभी तक जो इस तरह की बयानबाजी हुई उसमें कोई बड़ी कार्रवाई आयोग की तरफ से नहीं हुई है। अगर इस तरह की बड़ी कार्रवाई हो जाए तो शायद इस तरह की बातें ना हो। इस तरह की बातें ना हो लेकिन कार्रवाई होगी क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बाद में आप लोगों ने जब सवाल किया होगा, नेताजी ने सफाई दी क्या या फिर वो अपनी बातों पर यूं ही टिके हुए हैं? नहीं, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, वो अपनी पुरानी बातों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमने उन समाज के लोगों के स्वाभिमान की बात कही, इसमें कोई ऐसी बुराई उन्हें नहीं लगती है। शुक्रिया पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के ये उम्मीदवार हैं, पहले ही फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और इस तरह का बयान दिया जो बेहद हैरान करने वाला है। वो पूरा का पूरा बयान हमने आपको सुनाया।